गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वॉइस आ रही है मैसेज करके भेजो। वॉइस आ रही है सर के पास? ओके, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स आपको मार्केट से लेनी है या डाउनलोड करनी है? मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एसटीआर शास्त्र की बुक्स आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है, आप लोग उसे देख कर लेना। और चैप्टर वाइज भी मैंने भेजे हैं, उनके नोट्स पीडीएफ के द्वारा आपके पास पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके अपन इकोनॉमिक्स की रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा माइक्रो और सेकेंड होगा मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट बुक से होगी और सेकंड बुक से होगी। फर्स्ट और सेकंड बुक्स, पहली बुक्स का नाम होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी बुक्स का नाम होगा समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों बुक्सों के माध्यम से अपन रीड करेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, हल्का सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो देखो ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें इंडिविजुअल बेस रीड किया जाता है। इंडिविजुअल बेस का मतलब वन स्टैंड के बारे में चर्चा करना, वन लेबर, वन प्रोड्यूसर, वन कंज्यूमर। तो ये जो माइक्रो है, ये माइक्रो एक ग्रीक लैंग्वेज होती है, उसके एम आई के आर ओ एस वर्ड से बनी हुई होती है। माइक्रो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, जो ग्रीक लैंग्वेज यानी ग्रीक भाषा के एम आई के आर ओ एस शब्द से बना हुआ है। और माइक्रोस का मतलब ये होता है स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल। स्मॉल को हिंदी में बोलते हैं छोटा, सूक्ष्म, सीमित। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस वर्ड से बना हुआ है, जिसका जो मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल को हिंदी बोलते हैं छोटा, सूक्ष्म और सीमित। इसी माइक्रो को अपन इंडिविजुअल व्यक्तिगत शब्द के द्वारा इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट होती है, उस यूनिट्स के माध्यम से हम इसको रीड कर पाएंगे कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल है, यूनिट्स होती है। जैसे वन प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल टाउन, ये छोटे छोटे रीडिंग किया अध्ययन किया जाएगा वो किसका आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले हम जो लेसन फर्स्ट होगा वो इंट्रोडक्शन
का बोला इंट्रोडक्शन का, जो सेकंड लेसन होगा उस सेकंड लेसन में आपको कंज्यूमर यानी उपभोक्ता डिमांड इंडिफरेंस का सेकंड लेसन होगा, उसी के आधार पे अपने आगे के लेसन चल पाएंगे। इंट्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले माइक्रो की बात करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसका जो फादर है वो एडम स्मिथ है और एडम स्मिथ ने इसको आगे बढ़ाया है। और सबसे पहले हम किसी स्किप में नीचे की बात चर्चा करते हैं कि जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन इसकी क्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो अध्ययन किया जाएगा, आपकी क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाएगा उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र होती है उस अर्थशास्त्र में फाइव बेस्ट इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन होती है, फर्स्ट होती है वेल्थ बेस्ट यानी धन पर आता है, सेकंड होती है आपके इकोनॉमिक वेलफेयर यानी आपके कल्याण पे आधारित, जो थर्ड होती है वो होती है आपकी चॉइस बेस्ट यानी चयन के आधार पर, और जो फोर्थ होती है वो होती है डेवलपमेंट बेस्ट विकास पर आधारित, और जो फिफ्थ होती है वांटेडनेस की बात करते हैं आवश्यकता विहीन की बात करते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस होती है जिसमें फर्स्ट बोल रहा है केवल इकोनॉमिक्स के अंदर आपके वेल्थ का ही अध्ययन किया जाता है यानी धन का अध्ययन किया जाता है, दूसरा कहता है आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है, तीसरा कहता है ऐसे एडम स्मिथ मार्क्स वगैरह का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके अंदर होता है। फिर अपन अगर आगे चलते हैं इसके अंदर कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑनली प्राइस बेस्ड होता है यानी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम होगा अदर नेम होगा वो क्या होगा प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत की बात करते हैं अपन। इसके अंदर कीमत सिद्धांत होता है, कीमत सिद्धांत होता है, और कीमत सिद्धांत के माध्यम से हम यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस यानी कीमत शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, कीमत शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कीमत शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, उस कीमत के सिद्धांत के माध्यम से ही आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, सबसे पहला जो वर्ड्स होता है वो उपभोग का मतलब क्या होता है यानी कंजम्पशन क्या होता है, तो सेकंड होता है उसका मतलब उत्पादन, इसके बारे में आपको ग्रोसरी की शब्दावली को पढ़ना है। थर्ड होता है उपभोक्ता कि उपभोक्ता क्या होता है, फोर्थ होता है आपके उत्पादक क्या होता है प्रोड्यूसर क्या होता है, और फाइव होता है उसकी बात करते हैं अपन तो विनिमय क्या होता है एक्सचेंज की बात करते हैं, और जो सिक्स होता है वो सिक्स की बात करते हैं तो आपके वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेवन की बात करते हैं और राजस्व यानी रेवेन्यू क्या होता है, और एट होता है कि प्राइस क्या होती है, कीमत क्या होती है, नाइन है वो क्वांटिटी यानी मात्रा क्या होती है, टेन आपके आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इलेवन होती है समस्या प्रॉब्लम क्या होगी, और ट्वेल्व होता है चयन चॉइस क्या होती है, और नेक्स्ट होता है आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, और 14 की बात करते हैं अपन तो अल्टरनेट यूजेज वैकल्पिक प्रयोग की बात करते हैं कि वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है, और संतुष्टि सेटिस्फेक्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र का जो परिचय है उसकी बात करते हैं, तब हमारे सामने अनेक वर्ड्स होंगे उनका यूज भी करना होगा। अगला आता है आवश्यकता क्या होती है, उसके बाद आता है मांग क्या होगी,
और फिर इसका अगला आता है पूर्ति किस प्रकार से की जाती है। सिंपल सिंपल वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन में ही आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं कंजप्शन, उपभोग क्या होता है। उपभोग जो वर्ड्स की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, तो हमारे सामने दो शब्द और आते हैं, वस्तु व सेवा। गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस क्या होती है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि गुड्स और सर्विस क्या होती है। वस्तु वह होती है जिसको अपन देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको, और सेवा वह होती है जिसे न तो स्पर्श किया जा सकता है न ही देखा जा सकता है। इसलिए पूरी बुक के अंदर गुड्स एंड सर्विस का सबसे ज्यादा यूज होगा कि गुड्स और सर्विस क्या होती है। इन सब का सबसे ज्यादा उपयोग होगा कि गुड्स क्या होती है और सर्विस क्या होती है, इनके बारे में हमें बात करना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है उपभोग, यानी उपभोग हम जिन वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, उपभोग यानी कंजम्पशन बोलेंगे। कि गुड्स एंड सर्विस का यूज हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसको, उसका कंजम्पशन करेंगे। सेकंड आता है प्रोडक्शन, जिन वस्तुओं सेवाओं का बनाया जाता है आपके पास ये प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, उन साधनों के द्वारा हम वस्तु सेवाओं को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं उनका, और मैन्युफैक्चर करेंगे तो उससे जो प्रोडक्शन फैक्टर होता है उनका बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे, तो हम वस्तु सेवाओं का निर्माण भी अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कि उपयोगिता के सृजन को, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी डिलीवरी भी बेस्ट होगी तो आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बेस्ट होगा, इसे उत्पादन कहते हैं। फिर आता है कंज्यूमर, उपभोक्ता होता है, हम जिन वस्तुओं सेवाओं का सर्विस का यूज करते हैं तो हम यूज होंगे तो हम उसे क्या कहलाएगा, वो उपभोक्ता कहलाता है। फिर उसके बाद उत्पादक, वस्तुओं सेवाओं को बनाने वाला क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाता है। उत्पादक प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के पास जो टूल्स होते हैं वो होते हैं आपके उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वस्तु को बनाने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, उन साधनों की बात करते हैं। फर्स्ट जैसे मान लीजिए आपके पास भूमि है, लैंड है, सेकंड मान लीजिए आपके पास लेबर है, श्रम की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं अपन कैपिटल, पूंजी है आपके पास, और फोर्थ की बात करते हैं उद्यमी और साहसी की बात करते हैं। उद्यमी और साहसी होता है दोनों को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के माध्यम से होता है, लैंड वाला राइट लेता है, लेबर वाला वेज या पेमेंट लेता है, कैपिटल वाला इंटरेस्ट और ब्याज की बात करता है। तो जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर के माध्यम से हम, हमें क्या करना होगा, प्रोडक्शन फैक्टर के माध्यम से हम अच्छी जैसे वस्तु को मार्केट में बनाकर तैयार करेंगे तब क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। वस्तु को बनाने वाला ऐसे और बनाने वाला क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाता है। फिर इसके बाद आता है एक्सचेंज विनिमय, आपने वस्तु सेवा बनाकर तैयार रखी है, गुड्स एंड सर्विस हमारे पास में है, और गुड्स एंड सर्विस आपके पास है उस गुड्स और सर्विस की बात करते हैं तो उनका मार्केट में एक्सचेंज कहाँ करना है, आदान प्रदान कैसे करना है, वो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, विनिमय होता है। उसके बाद वितरण की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो जो भी गुड्स और सर्विस है आपको कौन सी मार्केट में उसको सेल करनी है, तो सेल कहीं पड़ी होगी जहाँ पर उसकी डिमांड होती है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही अपन इसको आगे बढ़ा पाएंगे, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं अपन रेवेन्यू, राजस्व की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट का और प्राइवेट दोनों का हो सकता है। रेवेन्यू यानी इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इनकम गवर्नमेंट और प्राइवेट को किस क्षेत्र से होती है, गवर्नमेंट की बात करते हैं तो टैक्स के माध्यम से इनकी इनकम होती है, और जो एक्सपेंडिचर होता है खर्चे की बात करते हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग होती है। यानी एक्सपेंडिचर और इनकम होता है वो किसके अंदर होगा, रेवेन्यू में। और पॉइंट नंबर 8 है प्राइस, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी प्राइस की, कीमत की, यानी प्राइस के अकॉर्डिंग ही पूरी माइक्रो चलती है। जहां पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है आप समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है,
तो सबसे मेन पॉइंट आएगा प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। इसका इमेज प्राइस का इमेज प्रोड्यूसर भी करता है और कंज्यूमर भी करता है। जब सेल करता है तो प्रोड्यूसर के पास ले आते हैं और जब परचेस करते हैं लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है। फिर इसके बाद में आती है क्वांटिटी, मात्रा। क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा क्या होती है, ये आपकी जो प्रोडक्शन फैक्टर है उसकी क्वांटिटी की, मात्राओं की बात कर सकते हैं, डिमांड की बात कर सकते हैं और सप्लाई की भी बात कर सकते हैं, राइट है। इस प्रकार से हम क्वांटिटी के बारे में भी कर सकेंगे इस लेसन में। फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनी वर्ड्स के ऊपर डिपेंड होकर की जाएगी कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिस अर्थ में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र बोलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, सबसे पहला आता है डिजायर, क्या आएगा डिजायर कि इच्छा क्या होती है। उसके बाद आता है डिमांड, सॉरी वांट्स आती है, आवश्यकता के बारे में बात करते हैं और फिर इसके बाद क्या आती है आपकी डिमांड। इन तीनों जो वर्ड्स होते हैं शब्द होते हैं इनको मिलाने के बाद ही हम आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ पाएंगे। फिर आते हैं प्रॉब्लम्स, कैसे होगी चॉइस, कैसा होगा, इन सभी पॉइंटों को हम एक एक छोटे से टेबल के माध्यम से रीड करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के द्वारा ही अपन इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए क्लॉज की दे रखी है, शब्दावली दे रखी है, उसके अंदर कुछ शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा और उसके बारे में पढ़ने के बाद ही अपन आगे बढ़ पाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं नंबर वन इच्छा, नंबर टू आवश्यकता वर्ड्स, और नंबर थ्री मांग जिसको अपन डिमांड बोलेंगे। ये तो होगी सर डिजायर्स इस मांग में, ये होगी वांट्स और ये होगी कैपिटल में डी और डिमांड। ये क्या होती है, इन तीनों के बारे में अपन आसानी से कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा होता है डिजायर, इच्छा की बात करते हैं। मनुष्य सामाजिक होता है, सोशल होता है और प्रत्येक मनुष्य की इच्छाएं होती है वो अनंत होती है, जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। अगर देखा जाए तो जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं अनंत होती है लेकिन उसके पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, सीमित साधन होते हैं। यानी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होगी वो क्या होती है, मैं यहां पर देखो ओ ए बी और सी देखना इस पर आंसर। व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है, ऐसी होती है जो कभी भी पूरी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है कभी भी पूरी नहीं हो पाती है और जब पूरी नहीं हो पाएगी तब की चर्चा करते हैं अपन कि उसकी व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है, ऐसी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं ओ सी लिखता हूँ इच्छा, जो कभी भी किसी भी व्यक्ति की पूरी नहीं होती है क्योंकि उसके पास साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं और सीमित साधनों के माध्यम से ही इच्छा का अध्ययन है। यानी जो व्यक्ति की कभी भी पूरी नहीं हो पाती है उसी के माध्यम से जब इच्छाएं होती है। नंबर टू आता है ओबी, ओबी का होगा वो आवश्यकता के इक्वल होगा, आवश्यकता को अपन वांट्स बोल सकते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं, ओबी के बराबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आवश्यकताएं अनंत होती है, इच्छाएं भी अनंत होती है, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है, आवश्यकताएं कुछ रूप में इच्छाओं से छोटी हो सकती है। सबसे पहले अपन आवश्यकता की बात करते हैं और वांट्स की बात करते हैं तो नंबर वन पॉइंट आएगा
कि व्यक्ति की आवश्यकताएं तभी पूरी हो पाती है जब उसके पास वस्तु या सेवा को खर्च करने के लिए पर्याप्त साधन है या नहीं है। यानी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, अर्थात वस्तु की आवश्यकता होती है, तब अपन उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पॉकेट में पैसा होना चाहिए। यानी तो व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? लिमिटेड रिसोर्स की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के पास साधन है या नहीं है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। यानी कहने का मतलब लिमिटेड रिसोर्स होनी चाहिए। यदि आपको किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता है तो हम उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा होना चाहिए। यानी हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्स है या नहीं है। यदि लिमिटेड रिसोर्स है तब तो अपन चर्चा करेंगे कि वास्तव में उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? पर्याप्त साधन, लिमिटेड रिसोर्स की बात करते हैं। सेकंड, यदि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आपकी योग्यता है या नहीं है। योग्यता यानी एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है कि उस वस्तु को खर्च करने के लिए आप योग्य है या नहीं है। सपोज कीजिए कि आपको किसी वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो सबसे पहला पॉइंट इच्छा में चला जाएगा कि इच्छा है या नहीं है। अगर इच्छा में है तो इच्छा संतुष्टि के द्वारा आप सेकंड को जाओगे कि आपके पास पैसा है या नहीं है, और पैसा है तो आप इसके कैपेबल है या नहीं है, आप इसको खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि कोई व्यक्ति है, पुअर मैन है, और पुअर मैन सोचता है कि मैं एरोप्लेन में यात्रा करूंगा, फ्लाइट में जाऊंगा, तो ये केवल गरीब व्यक्ति सोच सकता है, तो उसके लिए वो डिजायर होगी, इच्छा होगी। लेकिन यदि कोई अमीर व्यक्ति है, वो प्लेन में ट्रेवल की सोचता है, यात्रा करने की सोचता है, तो वहां पर अपन चर्चा करते हैं कि अमीर व्यक्ति के पास क्या होगा। उसकी इच्छा होती है, नंबर वन पॉइंट इच्छा एंड डिजायर होगी। तो नंबर टू पॉइंट, उसकी जेब में पैसे है या नहीं है, यानी उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है या नहीं है, पर्याप्त साधन है या नहीं है। यदि उसके पास पर्याप्त साधन है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो व्यक्ति प्लेन की यात्रा कर सकता है। यदि उसके पास प्लेन की यात्रा करने का विचार बना लेता है, लिमिटेड रिसोर्स है, और टिकट विंडो के पास आ जाता है, और टिकट विंडो के पास आके वो सोचता है कि मैं ट्रेवल नहीं करूंगा, ऐसा खर्च नहीं करूंगा, तब तक ये आपकी क्या होगी? डिजायर नहीं रहेगी। लेकिन यदि वो सोच लेता है कि मुझे ट्रेन की यात्रा करनी है, प्लेन की यात्रा करनी है, और यात्रा करके मुझे टिकट लेनी है, यहाँ तक सोच लेता है, टिकट विंडो तक पहुंच जाता है, तब वो क्या कहलाएगी? आवश्यकता कहलाती है। यानी यदि वो सोच लेता है तब की बात करें, फिर ओ से लेकर डी की बात करते हैं। जब इसका डेट था, ओ से लेकर सी तक की बात करते हैं, यानी व्यक्ति की ये किसका हो गया? ये डिजायर का पार्ट हो गया। फिर उस डिजायर के बाद जो डी यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, दूसरा क्या हो गया? ओ सी इज इक्वल टू डिजायर, ओ बी इज इक्वल टू वांट्स, और ओ ए इज इक्वल टू डिमांड होगा, मांग होगा। लेकिन कब होगा? मैंने फर्स्ट पॉइंट अभी आपको बताया है कि इच्छा व्यक्ति की डिजायर है, नंबर दूसरा पर्याप्त उसके पास साधन है या नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स है या नहीं है, डिजायर है या नहीं है, और तीसरी एबिलिटी है या नहीं है, यानी उसकी योग्यता है या नहीं है। यदि योग्यता है उसके पास और वो खर्च करने की सोच लेता है, तब ये आपकी जो वांट्स है, ये वांट्स किसमें कन्वर्ट हो सकती है? डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है। ये कब होगा? मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको डिजायर, सेकंड लिमिटेड रिसोर्स, थर्ड एबिलिटी की बात करता हूं, तो फोर्थ पॉइंट आता है एक्चुअल टाइम, निश्चित समय। निश्चित समय एक्चुअल टाइम की बात करता हूं, और निश्चित कीमत एक्चुअल प्राइस। यदि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट
3 पॉइंट होते हैं तब तक तो वो रियल कहलाएंगे, लेकिन 4 पॉइंट अगर अपन पूरा कर पाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी, यानी एक्चुअल टाइम और एक्चुअल प्राइस की बात करता हूं मैं यहां पर। तो यहां पर जब जो अमीर व्यक्ति था, रिच मैन था, वो टिकट विंडो में चला जाता है और जाने जाने के बाद वो टिकट परचेज करने की सोचता है, तो सोचता है तब तक वो डिमांड से मिलेगी, लेकिन टिकट विंडो में एक्चुअल टाइम पे वहां पहुंच जाता है और टिकट निश्चित जो प्राइस होती है उसकी एक्चुअल प्राइस होती है, उस प्राइस से वो टिकट को खरीद देता है, तब आपकी ये क्या कहलाएगी, 5वां पॉइंट डिमांड कहलाएंगे, डी पे चले जाएंगे। यानी जो एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित समय पर निश्चित कीमत में वस्तु या सेवा को क्रय करना, खरीद करना, परचेज करना, इन एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम में क्या होगा, एक्चुअल प्राइस, दोनों पॉइंट इस बात को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है, तो वो किस पे चला जाएगा, डिमांड पे चला जाता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो देखो बेटा ओ सी, ओ बी और ओ ए तीनों में देखा होगा तो ये अनलिमिटेड था, ये काम अनलिमिटेड है, लेकिन अगर डिमांड की तरफ ले जाएंगे तो ये काम पर चले जाएगा, एक्चुअल टाइम और एक्चुअल प्राइस पे। तो देखो ओए का जो डेट है वो सबसे कम है, यानी ओए से लेकर यहां तक व्यक्ति क्या कर सकता है, गुड्स एंड सर्विस को परचेज कर सकता है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, इन तीनों पॉइंटों के द्वारा हमें मालूम करना चाहिए कि विधेयक क्या होता है और वांट्स क्या होती है, उसके बाद डिमांड क्या होता है, इन सबकी चर्चा हमें हमारे बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर अपन डिजायर, वांट्स और डिमांड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपने प्रॉब्लम्स आई होगी कि व्यक्ति किस प्रकार से अपनी वस्तुओं को खरीदता है या नहीं खरीदता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब होती है तो सबसे पहला काम व्यक्ति के पास, जो कि मैंने बताया आपको, अनलिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स, यानी अनंत आवश्यकता होती है, अनंत आवश्यकता होती है, अनलिमिटेड वांट्स की बात करते हैं। फिर अनलिमिटेड वांट्स होती है तो सेकंड स्टेप व्यक्ति के पास क्या होती है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स की बात करता हूँ, उसके पास क्या होता है, सीमित साधन होते हैं, सीमित साधन होते हैं। सीमित साधनों के द्वारा उसके सामने प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आएगी कि व्यक्ति की आवश्यकता उसके साधन सीमित होते हैं, और जब साधन सीमित होते हैं तब वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यक्ति की अनंत आवश्यकता होती है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, सीमित साधन होते हैं, तब वह क्या करता है बेटा कि वो कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करे और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करे, इसके लिए उसको प्रेफरेंस देनी होगी, वरीयता देनी होगी, और वरीयता देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेट यूजेज की बात करते हैं, वैकल्पिक प्रयोग की बात करता हूँ, अल्टरनेट यूजेज, यानी अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, तब उसके पास प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी डिजाइन को, कौन सी वांट्स को पहले वरीयता दे और उसके बाद दूसरी की वरीयता दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेडिसिन की आवश्यकता है, सेकंड आपको ड्रेस की आवश्यकता है, तो इन दोनों में से आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सी भी जो वांट्स है उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट यूजेज करना होगा, और अल्टरनेट यूजेज के माध्यम से ही हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। अल्टरनेट यूजेज के लिए फिर उसके पास प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पर उसे क्या करना होगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, चॉइस क्या करेगा बेटा, चॉइस करेगा, चयन करेगा कि उसे चयन करना होगा, कि चुनाव करना होगा कि मुझे कौन सी आवश्यकता को पहले पूरा करना है
और कौन सी आवश्यकता को बाद में पूरा करना है। इन दोनों के माध्यम से ही वो क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो जो मान लीजिए उसकी जो मैक्सिमम डिजायर्स है या वांट्स है वो पूरी हो जाती है तो व्यक्ति को क्या मिल सकता है, सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, संतुष्टि मिल सकती है। क्या मिल सकती है, संतुष्टि मिल सकती है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें आईजी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, मैन पॉइंट से स्टार्ट होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या